हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फूड अयोध्या। जय माता दी फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं फटे दूध से मिठाई, जिसे बनाना बेहद ही आसान है और खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। घर में अगर अचानक से किसी भी कारणवश दूध फट जाए तो आप इस रेसिपी को बनाइए। तो देखिए, सबसे पहले इसका पानी हमें कम कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कितना कम का हमने कर लिया है, हल्का सा पानी बचा हुआ है। तब हमने इसमें चीनी डाल दिया है, तो लगभग 3 चम्मच चीनी डाला है, इससे ज़्यादा नहीं डाला है। तो इससे हल्का मीठा होगा, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होगा और बहुत ही सॉफ्ट ये मिठाई बनकर फ्रेंड्स तैयार होती है और बहुत ही कम समय में बन जाती है। जैसे आप खाना बना रहे हैं तो दूसरी साइड में इसे रख दीजिए, बीच बीच में चलाते रहिए जब तक कि पानी कम ना हो जाए। आप चाहें तो पानी छान भी सकते हैं, तो हमने छाना नहीं था क्योंकि मलाई भी इसी में थी और फट गया था तो सारा घी निकल जाता, तो इसीलिए हमने पानी फेंका नहीं इसका। और देखिए, जब चीनी डाल दिया है और चीनी गल गई है तो थोड़ा सा हमने डाल दिया है इसमें खोया। अगर आप चाहें तो मिल्क पाउडर डाल दीजिएगा, या फिर खोया भी नहीं डालेंगे तब भी बहुत अच्छी बन जाएगी। तो हमने थोड़ा सा खोया डाल दिया है, इससे इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये मिठाई फ्रेंड्स आप बहुत ही जल्दी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको बहुत जल्दी बनानी हो तो आप इसका पानी छान दीजिए और थोड़ा सा पानी अगर बचे तो उसी के साथ इस तरीके से इसे बनाइए। अब इसका पानी हमें और भी सूखा करना है, तो इस तरीके से जो मोटे मोटे दाने हैं तो इसको हम इसी तरीके से कलछी से थोड़ा थोड़ा सा मैश करते हुए इसे मिक्स करेंगे। और आप देख सकते हैं कितनी जल्दी इसका पानी कम हो गया है। और फ्लेवर के लिए थोड़ा सा हमने इलायची का पाउडर कूट कर इसमें डाल दिया है, इससे इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी हो जाती है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। और 2 मिनट तक हमें और पकाना है इसे। ये देखिए, इस तरीके से मिक्स करते रहेंगे तो जो 10 रुपये वाला मिल्क पाउडर वाला पाउच आता है आप उतना ही इसमें डाल देंगे, तब भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। इसे एक बाइंडिंग सा हो जाता है, जैसे एक एक दाने होते हैं तो वो थोड़ा सा आपस में लग जाते हैं तो अच्छा बनता है। अब इसमें हमने डाल दिया है, लास्ट में डालेंगे देसी घी, और थोड़ा सा ही डाला है, सिर्फ 1 चम्मच डाला है क्योंकि इसमें मलाई भी था तो घी इसमें ऑलरेडी है छेने में, ये जो दाने हैं पनीर के। और इस तरीके से इसे मैश करते रहेंगे कलछी से, और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी बिना मिलावट की। आप अपने घर पे मिठाई बना सकते हैं। अक्सर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दूध गर्म करना हम भूल जाते हैं। दूसरी टाइम सुबह तो एक बार गर्म किया था ये दूध, शाम को हमने गर्म नहीं किया था। और मौसम थोड़ा सा चेंज होता है, कभी गर्मी हो जाती है, अचानक से कभी सर्दी हो जाती है, इस कारण से दूध फट जाता है। ये दूध फट गया था तो हमने सोचा इस तरीके से इसकी मिठाई बना लिया जाए, और यकीन मानिए फ्रेंड्स बहुत स्वादिष्ट ये मिठाई बनकर तैयार हुई थी। और देखिए, ये बिल्कुल जमने की स्थिति में है। बहुत ज़्यादा इसे हमें सूखा भी नहीं करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा कड़ी कड़ी सी मिठाई बनेगी तो वो खाने में अच्छा नहीं लगता। ये थोड़ा सॉफ्ट ही अच्छा लगता है। जो इसके दाने होते हैं बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए, एक एक दाने। अब किसी बर्तन में जिस में भी आपको इसे जमाना हो उसमें पहले से घी लगा देंगे अच्छी तरीके से, और इस तरीके से उसमें रख देंगे और इसे कलछी से थोड़ा थोड़ा सा सेट कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से दबा दबा कर आप इसे सेट कर सकते हैं। तो आप भी ज़रूर फ्रेंड्स बनाइएगा इस रेसिपी को और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि सबके घर में कभी ना कभी तो दूध फट ही जाता है। तो एक बार मेरे तरीके से इस मिठाई को बनाकर आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बनाना भी आपको बहुत ईजी लगेगा। तो इस तरीके से हमने इसे दबा दबा कर सेट कर दिया है और 4-5 घंटे के लिए हमने इसे छोड़ दिया था, जिससे कि ये ठंडा हो जाए तब इसे हम कट करेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी तरीके से सेट हुई है, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया इसका टेक्सचर आया है। बिल्कुल एक एक दाने आपको अलग अलग दिख रहे होंगे, और देख सकते हैं बच्चों की आदत होती है तो हमें काटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उसके पहले ही बच्चे इसे काट काट के ले गए हैं। ये देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स इस समय लाइट भी नहीं थी तो हमने लास्ट वाली क्लिप अच्छे से नहीं ले पाई है, आप देख सकते हैं। फिर भी मिठाई का टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है, एक एक दाने अलग अलग हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनी है। तो आप ही ज़रूर बनाइएगा इस मिठाई को और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो जब भी दूध फट जाए तो आप इस तरीके से फटाफट से इस मिठाई को फ्रेंड्स बनाइए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी फ्रेंड्स।